कन्नौज में चुनाव बाद सपा समर्थकों पर हमले करवाने का आरोप। सपा नेताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाए आरोप। हमला कर झूठे मुकदमे में लगवाने का भी आरोप। लगातार हो रहे हमलों को लेकर सपा प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से की मुलाकात। 9 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंप की भाजपा नेताओं पर कार्यवाही की मांग। जल्द ही सपा समर्थकों का उत्पीड़न बंद ना होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। सपा नेता बोले, हार होती देख बौखलाहट में भाजपा नेता कर रहे हैं हमले। जब से लोकसभा चुनाव हुआ उस तारीख से भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। जगह जगह समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पुलिस से भी उत्पीड़न करा रहे हैं, फर्जी शिकायतें कर रहे हैं। असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट है वो खुद बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ये समझ लिया हमारी हार तो हो ही गई। समाजवादी पार्टी बहुत भारी अंतर से जीत रही है यहाँ पे। इस जीत को भारतीय जनता पार्टी लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के लोगों का तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। आपने देखा मेरा खुद गांव गौरियापुर, जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। हमारा एक कार्यकर्ता वोट डाल के जा रहा था, उसे रास्ते में ही मारा। ये पूछा पहले कि तुम किसको वोट दिया, उसने कहा समाजवादी पार्टी वोट दिए। तो इस बात पर उसे, वो दोहरे जाति का है, और इस बात पर उसे मारा कि तेरा चमारों के सारे दिमाग खराब हो गए। हमने कहा तो भारतीय जनता पार्टी वोट दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट क्यों नहीं दिया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।